आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि उस पार्ट्स में क्या क्या होता है, उस पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, पार्ट्स कैसे काम करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का होल्स पूरा जानकारी हम लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा डीसी जनरेटर। ठीक है, यू नो दैट ये डीसी जनरेटर का एक हमारा योग है, इसको योग बोलते हैं। डीसी जनरेटर के बारे में ऐसा पता है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डीसी जनरेटर जो होता है यह डीसी ऊर्जा देता है, क्या देता है? डीसी सप्लाई देता है, बाहर क्या होता है, डीसी सप्लाई देता है। ठीक है, देखिए आर्मेचर में तो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही होता है आर्मेचर में, लेकिन उस अल्टरनेटिंग करंट को कम्यूटेटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदल देते हैं। जो जनरेटर होता है, जनरेटर अल्टरनेटर नहीं, जनरेटर, वो डीसी सप्लाई देता है जैसा कि पता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं योग की। ये हमारा होता है योग। सबसे पहले योग से पहले बेस प्लेट को देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। बेस प्लेट का काम करता है योग को ये सपोर्ट देता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका कि यह मतलब इसको फाउंडेशन में, फाउंडेशन के माध्यम से इसमें नट बोल्ट डाल के इसको आसानी से कस दिया जाता है, जिससे कि जब मोटर चले तो वाइब्रेशन, मोटर में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और जिससे कि किसी को चोट ना पहुँचे, फाउंडेशन से गिरे ना, इसीलिए क्या करते हैं इसमें सांचा बना होता है, ये बेस प्लेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस प्लेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता हमारा, इसको बोलते हैं योक बोलते हैं। इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। देखो योक का काम क्या होता है, यह मशीन को मैकेनिकली प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, यांत्रिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो फील्ड फ्लक्स, फील्ड का फ्लक्स होता है उसको क्या करता है? पूर्ण करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है फ्लक्स को, मतलब जैसे कहते हैं फ्लक्स क्या होता है, जो बाद छरड़ फ्लक्स होता है उसको रिड्यूस करता है हमारा। ठीक है ना, दूसरा काम होता है ये, दूसरा काम यानी कि यह मैकेनिकल रूप से सपोर्ट करता है मशीन को। ठीक, दूसरी बात जो छोटी मशीनें होती हैं उसमें जो ये योक होता है हमारा कास्ट आयरन का होता है। क्या होता है हमारा? कास्ट आयरन का होता है। लेकिन जो बड़ी मशीनें होती हैं उसका योग किस मटेरियल का बना होता है हमारा? यह बना होता है हमारा किसका? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, या फिर कास्ट स्टील का कह सकते हैं, बनाया जाता है। लेकिन जो छोटा छोटा मशीन होती है उसका योग बना होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक, उसके आगे हम समझते हैं, ये हमारा होता है एंड प्लेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, एंड प्लेट का काम क्या होता है? किसमें? देखिए बेयरिंग लगा होता है। क्या लगा होता है हमारा? बेयरिंग लगा होता है। इस बेयरिंग, ये बेयरिंग क्या करता है? साफ्ट, ये जो हमारा साफ्ट लगा हुआ है, ये हमारा साफ्ट, इसको क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है जिससे, और ये हमारा मूवेबल होता है। बेयरिंग क्या होती है हमारी? देखिए बेयरिंग भी तीन प्रकार की होती है बेसिकली। एक बुश बेयरिंग होता है, एक बॉल बेयरिंग होता है, एक हमारा रोलर बेयरिंग होता है। जो बुश बेयरिंग होती है छोटे पंखों में लगाई जाती है, ठीक है, और छोटे मोटरों में लगाया जाता है। बुश बेयरिंग होती है, छर्रा नहीं होता है, गोल छर्रा। लेकिन जो बॉल बेयरिंग होती है इसमें ना, ये 15 हॉर्स पावर तक के मोटर को, मोटर जनरेटर में आदमी लगाई जाती है, बॉल बेयरिंग होती है। ठीक है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके ऊपर जो होता है रोलर बेयरिंग होता है, जैसे ज़्यादा जहाँ लोड की आवश्यकता होती है, मैकेनिकली लोड, वहाँ पर रोलर बेयरिंग लगा होता है। चाहे अल्टरनेटर होता है, चाहे जनरेटर होता है, वहाँ पर रोलर बेयरिंग को 15 हॉर्स पावर से ऊपर के जो मोटर होते हैं, चाहे जनरेटर चाहे अल्टरनेटर, उसमें हम किसको लगाते हैं हम लोग? एक सेकेंड और जान लीजिए, जो जनरेटर होता है हमारा ये किलोवाट में होता है। ठीक है, जनरेटर जो होता है हमारा किलोवाट में होता है, मोटर होता है एचपी में होता है। ठीक, एचपी है। और जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो किस में होता है? केवीए में होता है। तीनों चीज़ का ये बात दिमाग में रहना चाहिए कि जो मोटर होता है हमारा हॉर्स पावर, मोटर को हमें क्या कहते हैं, 10 हॉर्स पावर का मोटर, 15 हॉर्स पावर का मोटर, लेकिन जो हमारा जनरेटर होता है तो किलोवाट में बोलते हैं। ठीक है, किलोवाट में। और जो अल्टरनेटर होता है वो 63 kVA का है, 33 kVA का है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? 63 kVA, 33 kVA में होता है। ठीक है, एंड प्लेट ये हमारा बेयरिंग होता है, ये यहाँ पे बाल बेयरिंग लगी होती है। ठीक है, बाल बेयरिंग को स्नेहन का काम करता है। दूसरा काम करता है स्नेहन का काम करता है। स्नेहन में इसके लिए क्या करते हैं? ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाते हैं इसलिए ताकि स्नेहक पूर्ण रूप से रहे, जिससे बेयरिंग में कोई भी मतलब डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो उससे क्या होता है, बेयरिंग में खराब होने लगती है डस्ट पार्टिकल से। इसे बेयरिंग लगा, ग्रीस लगा होता है तो डस्ट पार्टिकल नहीं जा पाता है, उसको स्नेहक पूर्ण रूप से रहता है। और मोटर को गति हमेशा का प्रदान रहती है, हमेशा मतलब कि साफ्ट पे दोनों और साफ्ट को बैलेंस करने के लिए बेयरिंग को लगाया जाता है, जिससे कि साफ्ट इधर उधर विचलित ना हो। ठीक, ये तो हो गया हमारा साफ्ट। उसके आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा होता है कार्बन, यहाँ पे ब्रश लगा होता है। देखिए हमारी ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्रश, कार्बन ब्रश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रश। इसका काम क्या होता है? यहाँ पे कम्यूटेटर जो लगा होता है ना, कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर पे यहाँ पे जो करंट आती है इस आर्मेचर के थ्रू, एसी करंट जो आती है, सॉरी यहाँ से जो करंट आती है यहाँ से, तो ये कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद जो यहाँ पे डीसी इकट्ठा होती है, ठीक, वो क्या करता है, यहाँ पे इसे रगड़ता रहता है। ये कम्यूटेटर क्या करता है हमारा, यहाँ पे इसे रगड़ता है। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, इसमें ये हमारा घूमता है
तो हमारे ये लगा होता है, ये क्या करता है, करंट को इकट्ठा करता है, करंट को क्या करता है यहाँ पे, करंट को लेता है, करंट को लेता है, जनरेटर है तो लेगा, अगर डीसी मोटर हो तो क्या करेगा, देगा, इसके माध्यम से करंट इकट्ठा होती है। दूसरी बात, ये हमारा करंट, ये कार्बन का ही क्यों बनाया जाता है, ठीक है, कार्बन या कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कार्बन में क्या होती है, यह निगेटिव टेम्परेचर कोपेसियंट होती है, कार्बन मटेरियल जो होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोपेसियंट होता है, इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए यहाँ पे जब घर्षण करेगा तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, घट जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल लगा दिया जाए तो वहाँ पे उस स्थिति में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये हमारा क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है हमारा, ये यहाँ पर लगा होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसे लगा होता है, हमारे कार्बन ब्रश, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन ब्रश, ये देखिए एक स्प्रिंग होती है हमारी, हमारी क्या स्प्रिंग होती है, इसको क्या करते हैं, टाइट बनाए रखती है, जिससे हमारा मैकेनिकल रूप से हमें टाइट रखता है उसको हमारा, ठीक है ना, ये हमारा स्प्रिंग होती है। उसके बाद दोनों तरफ दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं हमारे, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक हमारा फील्ड कॉइल, देखिए जनरेटर में क्या होता है हमारा, एक फील्ड कॉइल भी होती है, ये हमारी क्या होती है, हमारी फील्ड कॉइल होती है। देखिए फील्ड कॉइल में दो चीज़ होती है, एक पोल फेस होता है, एक पोल कोर होता है। देखिए ये पोल, ये हमारा इसको बोलते हैं पोल फेस बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, पोल फेस होता है हमारा, ये ठीक है, ये सही पोल कोर है, ये हमारा क्या, इसको पोल फेस है, ठीक है, यहाँ ये हमारा क्या होता है, इसके माध्यम में ये इसे यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ऐसे कसा होता है ये स्क्रू द्वारा, काउंटर स्क्रू द्वारा नट लाइए, देखिए ये हमारा होता है ना इस तरीके से, ये इसी के माध्यम से इसको क्या करते हैं हम लोग, कस देते हैं यहाँ पे इसको, इसके माध्यम से क्या करते हैं, इसको कस देते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है मैग्नेट, ये हमारा फील्ड कॉइल, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड कॉइल बोलते हैं, या दो पोल हो गए, इसमें दो पोल हो गए, एन और एस, नॉर्थ और साउथ दो पोल हो गए हमारे, ठीक है, दो पोल हो गए, फील्ड कॉइल इसको बोलते हैं, ठीक, आगे बात समझ में, हाँ देखो ये भी जो बना होता है फील्ड कॉइल, ये जो हमारा ये हमारा होता है मटेरियल होता है, ये भी हमारा किसका होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है, इसमें भी ठीक है, सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, रिड्यूस टू एडी करंट, सॉरी रिड्यूस टू हिस्टेरेसिस लॉसेस, और हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए इसका सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, और एक और कारण होता है, इसको पतली पतली पट्टियों के रूप में, ध्यान से लाइए, इधर लाइए दिखाएं, देखिए पतली पतली क्या होती है, पट्टियाँ होती है आपस में, ये पतली पतली पत्तियाँ होती हैं आपस में, देखिए यहाँ इसको क्या करते हैं आपस में, इसको चिप पतली पतली पट्टियाँ उसको आपस में क्या लेमिनेट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है, लेमिनेट कर देते हैं, ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या कर सके, इसको रिड्यूस कर सके, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए इसकी पतली पतली पट्टियों को आपस में जोड़ देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर सीधे सीधे लोहे का ढाल दिया जाए तो उस अवस्था में क्या होगा, हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और मशीन की दक्षता क्या होगी, हमारी अच्छी नहीं रहेगी, एफिशिएंसी मशीन का अच्छा काम नहीं करेगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होगा हमारा, बहुत ही ज़्यादा होगा हमारा, फील्ड कॉइल होता हमारा, ठीक। उसके बाद ये हमारा देखिए इस बार इसको, इस चीज़ को देखते हैं, इसको बोलते हैं आई हुक बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लगा होता हमारे ये आई बोल्ट हमारा है, इसको खोल देता हूँ मैं एक बार दिखाते हैं के लिए, देखिए ये हमारा क्या होता है, आई बोल्ट होता है, इसका काम क्या होता है कि मशीन को, जैसे कि ऐसे बड़ी मशीनें वजन होती हैं, वजन होने के कारण क्या होता है कि इसको उठाने में दिक्कत आएगी, मान लीजिए हाथ से कोई उठा रहा है तो दिक्कत आ सकती है ना, हाँ, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको आई बोल्ट बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे कोई सब्बल उब्बल लेके, यानी कि खंती बोलते हैं सवाई गाँव के भाषा में, सब्बल बोलते हैं, फिर लोहे का कोई भी रॉड लेके, बड़ा सा लोहे का रॉड लेके इस मशीन को इस तरीके से डाल के दो आदमी इधर से और इधर से पकड़ के आसानी से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, मशीन को ट्रांसपोर्टेबल करने के लिए, अब ठीक है ना, मान लीजिए मशीन आई तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा इधर उधर से ले जाना पड़ेगा वहाँ पे, इसलिए अब हाथ से पकड़ लेने में हाथ से छूट सकते हैं, आपके पैर में चोट लग सकती है उस अवस्था के लिए हमारा, ठीक है ना, ये हमारा उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोल्ट बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, अब हम इस पार्ट में आते हैं, आर्मेचर। देखिए ये हमारा है आर्मेचर, ये हमारा क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर में भी क्या करते हैं, इसकी जो ये हमारी पत्तियाँ होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती हैं, इसमें भी क्या होता है कि पतली पतली सभी पत्तियों को आपस में चिपकाया गया है, ठीक है, हाँ, इसमें भी क्या होता है, पतली पतली पत्तियाँ ये भी सिलिकॉन स्टील की होती हैं, सिलिकॉन स्टील की होती हैं, क्यों सिलिकॉन स्टील की, ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सके, हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ का जो और यूज किया जाता है,
और लेमिनेट क्यों किया जाता है, एडी करेंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए इसको लेमिनेट किया जाता है, ठीक। अच्छा अच्छा, इसमें ये हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं, देखिए हमारे स्लॉट्स कटे हैं ना, स्लॉट्स ये हमारे इस तरीके से हमारे स्लॉट्स कटे हैं। स्लॉट्स क्यों कटे होते हैं, ताकि हम जो कॉइल है हमारे, ये देख कॉइल है ना, आर्म कॉपर वायर का क्या होता है, हमारा कॉइल होता है, अच्छा कॉपर वायर का कॉइल होता है, इस कॉइल्स को इसमें भरने के लिए इसमें क्या होते हैं, स्लॉट्स को काटते हैं, इसमें स्लॉट्स को कॉपर वायर को भरने के लिए क्या करते हैं, इसमें स्लॉट्स को काटते हैं, ठीक है, कॉपर वायर को भरने के लिए इसमें स्लॉट्स को काटते हैं ताकि कॉपर वायर को भरना भर सकें, इसमें बाइंडिंग करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये हमारा देखिए माइका का पेपर होता है, लेदराइट पेपर होता है, ये देखिए पेपर होता है इसकी, ये हमारा क्या होता है, लेदराइट पेपर होता है, उस लेदराइट पेपर, उसके बाद हमारा ये होता है सपोर्टेबल होता है, कॉइल यानी कि कॉइल को दबाने रखने के लिए, कॉइल बाहर ना इसका ये हमारे लगा देते हैं इसको, सपोर्टेबल बोल सकते हैं इसको, ठीक। उसका फिन्स होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं भाई, देखिए ध्यान से इस चीज़ को ऊपर करिए थोड़ा सा, ये हमारी क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, ये हमारे फिन्स पंख होते हैं, सॉरी पत्ती पंख पत्तियाँ बोला, पंख होता हमारे पंखा है, ताकि इस पंखे के माध्यम से अगर जो गर्मी मशीन स्वभाव से बात चलेगी तो हीटिंग होगा, इसमें करंट आएगा, करंट आएगा ना इसमें, तो करंट फ्राइडे का नियम अनुसार क्या कहता है कि कोई जब कोई फ्लक्स किसी चालक काटे या चालक किसी फ्लक्स को काटे तो क्या होता है, चालक में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, और जब लोड पड़ता है तो करंट उसमें बहने लगती है, ठीक है, करंट बहने लगती है तो क्या होता है हमारा, जब लोड यहाँ बढ़ता है तो करंट इसमें बहने लगती है, इसमें खुद करंट बहने लगेगी तो उसका खुद का फ्लक्स जनरेट होगा, जो ये इसका फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा तो ये गर्म तो होगा स्वाभाविक सी बात है, उस गर्मी को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, पत्तियाँ लगी होती, पंखी लगी होती, पंखी क्या करती है, हवा देती है इस पर, क्या करती है पंखी, हवा देती है, हवा देती है जिससे हमारा पंखा, ये हमारा आर्मेचर हमारा ठंडा होता रहे, ठीक है, ठंडा रहे और हमारा ज़्यादा देर तक काम करता रहे, ज़्यादा देर तक कर सके हम हमारे काम कर सके, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, कम्यूटेटर की बात करते हैं, कम्यूटेटर देखो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, देखिए कम्यूटेटर का काम क्या होता है, या एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, या फिर धारा को एक डीसी करता है, धारा को क्या करता है हमारा, एक डीसी करता है। अब देखिए इस पूरे आर्मेचर में जो भी करंट मतलब धारा उत्पन्न हुई वो यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, उस एसी अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, ये डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक, डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, फिर एक डीसी कर दिया, यहाँ पर कर दिया, ये हमारा किसका मतलब, देखिए ये हमारा पीतल क्या कहते हैं, कॉपर का है, हमारे कॉपर का है, कॉपर का है बेसिकली, ठीक है, पातल पीतल और पीतल और कॉपर का मिश्रण होता है, फास्फर ब्रॉन्ज बोलते हैं इसको, ठीक है, सही फास्फर ब्रॉन्ज नहीं होता, वो तो दूसरा कुछ होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट आती है, उसको क्या करता है हमारा, ये इकट्ठा करता है, ठीक। अब देखो ये जो पतला पत्ता दिख रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से लाइए, इधर लाइए, ये यहाँ पे सभी ये जो कॉइल यहाँ से निकल रही है ना, सभी कॉइल को यहाँ पे क्या किया गया है, सोल्डरिंग किया गया है, सभी तार वायर को क्या यहाँ पे सोल्डरिंग किया गया है, ठीक है, सभी को सोल्डरिंग किया गया है, ठीक। अब ये कम्यूटेटर के बारे में बताया, देखो जब जनरेटर में लगा होगा, जब मोटर में लगा होता है तो ये क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, जब मोटर डीसी मोटर में लगता है, डीसी मोटर में जब लगता है तो ये क्या करता है हमारा, एसी डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन जब यही जनरेटर में लगाए जाते हैं तो ये एसी को क्या करता है, डीसी में बदलता है, ठीक है ना, अल्टरनेटर को जनरेटर में, ठीक। कम्यूटेटर धारा को क्या करता है हमारा, एक डीसी करता है, कम्यूटेटर का काम हमारा होता है, ठीक है, आगे बात समझ में। और ये हमारा होता है साफ्ट, साफ्ट ये हमारा क्या, हमारा साफ्ट होता है हमारा, ये हमारा क्या है, साफ्ट है, जिसपे क्या होता है, आर्मेचर आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, और ये हमारी बियरिंग होती है, बियरिंग, और हमारी हमारा क्या होता है, पूरा घूमता है, ठीक है। ये पूरा रहा हमारा डीसी जनरेटर का स्पेसिफिकेशन, अगर इफ़ कोई भी अगर आपको डाउट है तो हमसे वीडियो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो समझ में आया, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे कि आपको आंसर दे सकें। जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी तक इसमें कोई पार्ट्स के बारे में और कोई चीज़ बचा नहीं है, जैसे आपको डाउट्स बचे, ठीक है, काउंटर स्क्रू मैंने बताया, इसको कस देते हैं पोल फेस पोल कोर को, ठीक है, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।